पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इंस्पेक्टर सतीश के साले देवेंद्र कुमार वर्मा और उनकी पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के लिए पत्नी और साले ने मिलकर प्लान तैयार किया था, लेकिन जिस समय इंस्पेक्टर को गोली मारी गई उस समय पत्नी भावना और बेटी कार में ही बैठे थे। पुलिस का कहना है कि पत्नी को पति की हत्या की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने नहर में पिस्टल भी बरामद की है जिससे सतीश को साले ने गोली मारी थी। आरोप है कि इंस्पेक्टर सतीश सिंह की कई अन्य महिलाओं से अवैध रिश्ते थे। इन रिश्तों के चलते लगातार भावना और सतीश सिंह के बीच झगड़ा होता रहता था। भावना को परेशान देखकर भाई देवेंद्र वर्मा ने इंस्पेक्टर की हत्या का प्लान बनाया था। या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते रहना ताकि उसका एक एलिबाई क्रिएट हो जाए कि उसकी फोन की लोकेशन घटना के समय घर पे थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोई ना कोई गलती इस तरह के कितना भी शातिर अभियुक्त तो जरूर करता है, तो उसकी भी कुछ गलतियां थी जो पुलिस ने पकड़ी और इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा किया। करीब कुल 400 सीसीटीवी कैमरे पुलिस की 5 टीमों ने दिन रात इकट्ठा एक करके इसमें खंगाला है, जिसके बाद हमें सफलता मिली, क्योंकि उनको ये मालूम है, सर्विलांस की बेसिक जानकारी है कि उस वक्त दोनों के मोबाइल चलने नहीं चाहिए। पत्नी भी अपना मोबाइल घर छोड़ के गई थी और जो ये मुख्य आरोपी है देवेंद्र, ये भी अपना मोबाइल घर छोड़कर गया।